व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हामिश किचन फिलॉसफी। मेरी दुआ है आप सब खुश रहें। आज मैं बिरयानी लवर्स के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार और यूनिक बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। और ये बग़ैर प्याज के बनाई जाने वाली बिरयानी है और बहुत ही आसान बनती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो आइए इसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त। अब इस गोश को हम बॉईल होने के लिए रखेंगे और इसके अंदर हम 2 गिलास पानी इसमें डाल देंगे। हम डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे हम 1/2 चाय का चम्मच नमक। नमक से इस गोश में थोड़ा सा फ्लेवर आएगा। और इसको बॉईल होने के लिए हम छोड़ देंगे। अब पतीले के अंदर हम ऑयल ले लेंगे। हम इसके अंदर प्याज नहीं डाल रहे हैं, इसलिए मैंने ये लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा लिया है। ये 3 खाने के चम्मच ही लहसुन अदरक है, ये डाल देंगे इसमें। अब इसके अंदर थोड़े से गरम मसाले डालेंगे, खड़े गरम मसाले। ये तेज़ पत्ते डाल रही हूँ मैं, 2 से 3। इसके अलावा ये 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, ये डालेंगे। 10 से 12 काली मिर्चें, 4 से 6 लौंग, 2 से 4 जो है छोटी इलायची जिसको हरी इलायची कहते हैं, ये 4 हरी इलायची हैं, ये डाल। इसकी इलायची 1 जिसको काली इलायची भी कहते हैं, ये डालेंगे। 1 बादियान का फूल डाल देंगे इसमें हम। ये जो हमने गोश्त की यखनी बनाई थी, इसमें से हम गोश्त को निकाल के इसमें डाल देंगे और इसका पानी हम इसी में इस्तेमाल करेंगे बाद में। एक अंदर ये टमाटर, मैंने 5 बड़े टमाटर ले लिए थे, उनको काट लिया था, ये डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। ये कुछ मसाले मैंने लिए हैं जिन्हें पीसना है। ये सिया ज़ीरा जिसको काला ज़ीरा कहते हैं, ये 1/2 चाय का चम्मच। साबुत धनिया, ये 1 चाय का चम्मच है। और सफ़ेद ज़ीरा, ये भी 1 चाय का चम्मच है। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। और इसके अलावा जायफल का 1 फूल और जावित्री का 1 फूल, और उसके बाद ये जायफल का 1/2 टुकड़ा। ये हम सब पीस लेंगे। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं। अब इसके अंदर हमने जो ये गोश्त की यखनी निकाली थी, ये थोड़ी सी शामिल करके और इसको गोश्त को थोड़ा और गलने तक पकाएंगे। अब इसके अंदर जो है हम आलू शामिल करेंगे। आलू पूरी तरह से ऑप्शनल है, क्योंकि मेरे बच्चे आलू शौक से खाते हैं, तो मैं आलू डाल रही हूँ। आप नहीं डालना चाहें तो हम डालें। 1 प्याला दही, ये पूरी 1 प्याली दही है, 1 पाव के करीब, ये पूरा फेंट के मैं इसमें डाल रही हूँ। अब दही के बाद जो है इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, कुछ स्पाइसेस। ये पिसी मिर्ची हैं, 2 चाय का चम्मच। इसके साथ ही नमक, नमक हमने यखनी में डाला था 1/2 चाय का चम्मच, तो 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमें चावलों में भी डालना है नमक। अब ये जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे, इसको मैंने पीस लिया था, अब ये शामिल कर रहे हैं हम। साथ ही साथ ये 1 पिंच जर्दे का कलर, ये सिर्फ इसलिए कि आलू में कलर आ जाए। ये छोटी मिर्चें इसके अंदर डाल रहे हैं, इससे थोड़ी सी तेज़ी आएगी। अब इसके अंदर ये 4 आलू बुखारे, ये बिल्कुल एंड में डालती हूँ मैं, इसका अपना ही एक फ्लेवर होता है जो आता है। और 2 चाय के चम्मच नींबू का अरक, ये जाएगा इसमें। इसके अंदर हम डाल देंगे ये बची हुई जो यखनी थी हमारी, ये सारी यखनी मैं इसके अंदर ही शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा पानी है। तो ये इधर हमने चावल के बॉयल के लिए पानी रख दिया है। और इसके अंदर ये 1 बादियान का फूल डाल रहे हैं, 2 से 3 ये हरी इलायची, इसके अलावा ये 1/2 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, ये शामिल कर देंगे इसमें। और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल जाएगा, ताकि चावल अच्छे खिले खिले बनते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो नए सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो ये थोड़ा सा ऑयल जाएगा इसमें। पानी गर्म हो गया है, अब इसके अंदर मैं चावल डाल रही हूँ। ये मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और इनको सोख करके रख दिया था। अब इसके अंदर नमक जो है हमें थोड़ा तेज़ रखना पड़ता है पानी के अंदर, 4 खाने के चम्मच डालूंगी। एक टिप होती है इसमें चावल खिले बने, ऑयल जो हमने पहले डाला था वो, और दूसरी टिप होती है इसके अंदर कि हम इसमें 2 खाने के चम्मच नींबू का रस डालेंगे, इससे भी चावल बिल्कुल खिले खिले रहते हैं। अब चावल डालने से पहले ये थोड़ा सा पुदीना इसके अंदर डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा धनिया ये डालेंगे, और इसमें थोड़े से नींबू के पीसेस डाल देंगे 1-2।
और इसी तरह ये मैंने मोटी वाली मिर्ची, ये मेरे घर में पसंद की जाती है, तो ये डाल रहे हैं। चावल हम पूरे नहीं डालेंगे इसमें, पहले हम थोड़े चावल डालेंगे। अब थोड़ा सा चावल डालने के बाद थोड़े से धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते और वही लीमू, उसी तरह से लीमू मिर्चें, और इस वक्त हम इस स्टेज पे इसमें डालेंगे थोड़े से टमाटर के पीसेस डाल देंगे। ये के अंदर मैं हल्का सा फूड कलर डाल रही हूँ क्योंकि मैंने मसाले में भी डाला था, तो ये सेंटर में खाली फूड कलर डाल देंगे थोड़ा सा। इसके अंदर केवड़ा और बिरयानी एसेंस। अब इसके अंदर अच्छा सा घी डालेंगे ऊपर, 3 से 4 खाने के चमचे। अब इसको मैं बगैर किसी कपड़े के और तवे के इसको दम दूंगी। इसके ऊपर सिर्फ वेट रख देंगे। वेट रखने के बाद इसको हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद इसका फ्लेम स्लो कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और ये बहुत अच्छा सा दम आ जाएगा इस पर। तो बस इसको अब 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रखा है। ये अब हमने 15 मिनट दम पे रखा था, अब इसका दम देख लेते हैं। ये देखिए इसमें अच्छा सा दम आ गया है बिल्कुल। ये प्याज के बगैर बनाई जाने वाली बीफ बिरयानी बहुत मज़े की बनती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।